नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अमित रमा। जैसा कि आपको बता दोस्तों, मैं बुक्सा समाज का इतिहास बनाने में लगा हुआ हूं, बुक्सा समाज का रिकॉर्ड बनाने में लगा हूं और बुक्सा संस्कृति सभ्यता को दिखाने का कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री दर्शनलाल जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य किया गया, बुक्साण में या बुक्सा समाज में बुक्सा जनजाति के कितने विद्यालय हैं। जी हाँ दोस्तों, बुक्सा जनजाति के बहुत सारे विद्यालय हैं और दोस्तों एक विद्यालय ऐसा है जिसमें वहाँ की शिक्षक और शिक्षिकाएं पिछले 10 वर्षों से फ्री पढ़ा रहे हैं, जो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आज के इस दौर में फ्री पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे शिक्षक और शिक्षिका को मेरा सलाम है। और दोस्तों, ये जो सारे स्कूल खोले गए हैं श्री दर्शनलाल जी के सहयोग से खोले गए हैं। इनके संस्थापक जो हैं श्री दर्शनलाल जी हैं। और दोस्तों, कुछ स्कूल जो हैं दोस्तों समाज कल्याण विभाग ने खोले हैं, लेकिन श्री दर्शनलाल जी के अथक प्रयासों से ये सारा संभव हो पाया है। और दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बुरी खबर निकल के आई है। 18 तारीख को रात के 2 बजे श्री दर्शनलाल जी का स्वर्गवास हो गया है, जो बुक्सा समाज के लिए बहुत ही दुखी बात है। दोस्तों, बुक्सा समाज के एक ऐसे महापुरुष का निधन हुआ है जिन्होंने बुक्सा समाज के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए थे। तो आइए दोस्तों, आज उन्हीं के विकास कार्यों में से जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितना कार्य किया और कितने विद्यालय बुक्साण में या बुक्सा समाज में खुलवाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एक पर है बुक्सा जनजाति कृषक इंटर कॉलेज, जो ग्राम सीसमबाड़ा विकासखंड विकास नगर और जिला देहरादून में स्थित है। ये स्कूल दोस्तों श्री दर्शनलाल जी ने खोला था। इसके जो संस्थापक हैं श्री दर्शनलाल जी हैं। इस स्कूल की स्थापना 15 जुलाई 1996 में हुई थी और इस विद्यालय में दोस्तों 70% जो बच्चे हैं वो बुक्सा समाज के ही पढ़ते हैं। नंबर दो पर है दोस्तों बुक्सा आदिम जनजाति आदर्श विद्यालय, ग्राम शेरपुर में स्थित है, जो विकास खंड विकास नगर जिला देहरादून में पढ़ता है। और दोस्तों, इस स्कूल की स्थापना 2 अगस्त 2010 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यही वो स्कूल है जहाँ पिछले 10 वर्ष से शिक्षक और शिक्षिका फ्री पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, जिसको हमारा सलाम है उनके इस सेवा भाव को कि आज की डेट में निःशुल्क फ्री में पढ़ाना। जिसमें से दोस्तों मैं श्री मान सिंह जी को जानता हूँ, जो हिमालयन बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कई वर्षों तक इस विद्यालय में फ्री पढ़ाया है, अपनी सेवा दी है बुक्सा समाज को, वो भी पूरे समर्पित हैं। दोस्तों, ये जो विद्यालय है श्री दर्शनलाल जी और उनकी पूरी टीम के सहयोग के द्वारा खोला गया है और आज वर्तमान में ये विद्यालय संचालित है। नंबर तीन पर है बुक्सा अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय, जो दोस्तों शाहपुर कल्याणपुर में है। पहले ये प्राइमरी स्कूल था लेकिन अब जूनियर हाई स्कूल हो चुका है। ये स्कूल भी दोस्तों श्री दर्शनलाल जी के सहयोग से व उनकी पूरी टीम के सहयोग से खोला गया है। और दोस्तों, इसके जो वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं वो भी अपने बुक्सा जनजाति से हैं, श्री सतीश कुमार जी, जो वर्तमान में हिमालयन बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान समिति के सचिव हैं। नंबर पाँच पर है इंदिरा राष्ट्रीय बुक्सा जनजाति विद्यालय। जी दोस्तों, ये ग्राम तीपरपुर में स्थित है, जो विकासखंड विकास नगर में आता है, जिला देहरादून में स्थित है। ये विद्यालय दोस्तों श्री दर्शनलाल जी के अथक प्रयासों से समाज कल्याण की जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत खोला गया है, इसकी स्थापना की गई है। नंबर पाँच पर है बुक्सा जनजाति प्राइमरी स्कूल। जी दोस्तों, ये विद्यालय मैदनीपुर बद्रीपुर ग्राम में खोला गया है, जो विकासखंड विकास नगर में और जिला देहरादून में पढ़ता है। ये विद्यालय भी दोस्तों श्री दर्शनलाल जी अखिल भारतीय बुक्सा जनजाति विकास समिति के अथक प्रयासों द्वारा समाज कल्याण की जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान के तहत खोला गया है। नंबर छः पर दोस्तों बुक्सा जनजाति प्राइमरी विद्यालय ग्राम जुड़ली आदुवाला। जी हाँ दोस्तों, ये जो विद्यालय है दोस्तों दर्शनलाल जी के अथक प्रयासों से समाज कल्याण की जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत खोला गया है। नंबर सात पर है इंदिरा राष्ट्रीय बुक्सा जनजाति जूनियर हाई स्कूल, जो ग्राम शाहपुर कल्याणपुर में खोला गया है। ये जो विद्यालय है अखिल भारतीय बुक्सा जनजाति विकास समिति के द्वारा खोला गया है। नंबर आठ पर है RKS बुक्सा बालिका विद्यालय, जो ग्राम हल्दुघाटा कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है।
नंबर 9 पर है। जूनियर हाई स्कूल खुशालपुर बुक्सा छुई के नाम से वहाँ सरकार द्वारा स्कूल खोला गया है, जो विकासखंड रामनगर और जिला नैनीताल में स्थित है। यह एक राजकीय स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो सरकार द्वारा खोला गया है। नंबर 10 पर है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुक्सा बस्ती। जी हाँ दोस्तों, ये साहब नगर विकासखंड डोईवाला जिला देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों ये थे वो 10 स्कूल जो बुक्सा के नाम से खोले गए हैं, जिसमें से 8 स्कूल दर्शन लाल जी के सहयोग से खोले गए हैं और बाकी 2 स्कूल गवर्नमेंट ने खोले हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।